Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about plastics and the environment. अब हम कभी भी किसी शॉप पर कुछ खरीदने जाते हैं तो जनरली क्या होता है, जो शॉपकीपर है उन सभी चीज़ों को जनरली पॉलीथीन बैग्स में देता है. मिनरल वाटर की बात करें या सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, वो भी प्लास्टिक बॉटल्स में ही मिलते हैं. कई बार क्या होता है, हम डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ करते हैं, थर्माकोल प्लेट्स यूज़ करते हैं, जो हमारी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, पार्टीज़ होती हैं. लेकिन इन सब से क्या होता है कि बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो जाता है रोज़, और ये हमारे घरों में या बाहर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो गार्बेज में जाता है. लेकिन ये सब हमारे थ्रेट इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि होता क्या है, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि वो आसानी से सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस में ब्रेकआउट नहीं हो सकते, ब्रोक नहीं हो सकते, जैसे कि बाकी चीज़ें हो जाती हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. तो सिंथेटिक फाइबर्स की भी बात करें तो वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं. अब जो सब्सटेंसेस इजीली ब्रेकआउट हो जाते हैं इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. और उनके एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे फल और सब्जियों के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, जितना भी खान बचा कुचा खाना होता है वो, पेपर है, कॉटन क्लॉथ है, वुल है. तो ये सभी आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. तो जो प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल है, तो इससे क्या हेल्थ और एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हो सकते हैं. इन केस अगर आप प्लास्टिक वेस्ट को बर्न करते हैं तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते और टॉक्सिक गैसेस और स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे एयर पोल्यूशन होता है. जब आप प्लास्टिक वेस्ट को वाटर में डंप करते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं. ज़्यादातर प्लास्टिक वेस्ट लैंडफिल्स में डंप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है. अब ये सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, प्लास्टिक्स अगर आप सॉइल में बर्न करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं हो पाते, और इससे क्या होता है, जो आपका रेन वाटर है वो अर्थ में नहीं जा पाता. तो पानी अल्टीमेटली हमारे अर्थ सरफेस पर ही रहता है, जिसकी वजह से मडी पूल्स बन जाते हैं. जो पॉलीबैग्स हम इधर उधर छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्रेन्स क्लॉग हो जाते हैं, सीवर लाइंस क्लॉग हो जाती हैं, जिससे वाटर लॉगिंग हो जाती है. जितने भी पॉलीबैग्स होते हैं, चिप्स के रैपर्स हैं, बिस्किट्स हैं, ईटेबल्स हैं, या डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉटल्स ही क्यों ना हो, रोड में, पार्क में, तो इनसे क्या होता है, एक तो गंदगी फैलती है, दूसरा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, वहाँ पर वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे काउज हैं, तो वो फूड वेस्ट गार्बेज डंप से खाती हैं, जनरली कई बार हमने देखा होगा. तो इससे क्या होता है, कई बार वो पॉलीथीन बैग्स भी खा जाती हैं, फूड रैपर्स भी खा जाती हैं. इससे क्या होता है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट चोक कर जाता है, और उसकी वजह से उनकी डेथ तक हो सकती है. बहुत सारे केमिकल्स जो कि प्लास्टिक के प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं, तो वो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं अमंग द वर्कर्स जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं. जब आप थर्मोप्लास्टिक्स की रिसाइकिलिंग करते हैं तो कुछ कलरिंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि फूड स्टफ को हमें रिसाइकल्ड प्लास्टिक में कभी भी नहीं रखना चाहिए. अब हमने ये प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, लेकिन इनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. तो जितने भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, हम सबको 4R प्रिंसिपल रिमेंबर करना चाहिए. अब ये 4R प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. हमें ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हों. सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक्स का यूज़ अवॉइड करना चाहिए. हमें जब भी हम शॉपिंग पर जाएं तो प्लास्टिक बैग्स के लिए नहीं कहना चाहिए, इंस्टेड हमें जूट के बैग्स या कॉटन के बैग्स कैरी करना चाहिए. हमें ऑलरेडी जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको क्लीन या ड्राई कर लेना चाहिए. प्लास्टिक कंटेनर्स को, प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल्स को रीयूज कर लेना चाहिए. दो तरह के हमें बिन्स यूज़ करने चाहिए, एक ग्रीन बिन और एक ब्लू बिन फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. अब जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे फ्रूट की पील्स हैं,
वेजिटेबल्स हैं, लेफ्ट ओवर फूड है, आपका पेपर है, कॉटन है, तो उनको हमें ग्रीन बिन में थ्रो करना चाहिए। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट हैं, ग्लास है, तो उसको हमें ब्लू बिन में थ्रो करना चाहिए। इस कलेक्टेड प्लास्टिक को हम मेल्ट करके रिसाइकिल भी कर सकते हैं। हमें प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बॉटल्स, पॉलीबैग्स, रैपर्स रोड्स पे नहीं डालना चाहिए। कभी भी जो प्लास्टिक के बने हुए आर्टिकल्स हैं उनको सीवेज सिस्टम में नहीं डालना चाहिए। तो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन ये आ जाता है कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, ताकि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो कि प्लास्टिक से एसोसिएटेड हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।